बहराइच लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्रवार फ्लाइंग स्क्वाड टीमें गठित की गई। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए गठित टीमें पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार खर्चों, घूस की वस्तुओं का नगद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा, असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई मानक चालान क्रिया का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। इसी के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बहराइच अंतर्गत गठित SF टीम के द्वारा बड़ी बरामदगी की गई। गए हैं, क्या है पूरा मामला? चुनाव को ध्यान में रखते हुए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जो निरंतर चेकिंग कर रहा है। इस क्रम में दुनक्का के पास चेकिंग के दौरान इनोवा कार से जा रहे दो व्यक्तियों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर तथा जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। सर, क्या लगता है आपको, ये जो असलहे आचार संहिता के बाद जो पकड़े गए हैं, किस प्रयोग में लाने हेतु ले जाए जा रहे थे, कुछ जानकारी मिली है क्या इस संबंध में? निश्चित रूप से ये विवेचना का विषय है। हम विवेचना करेंगे कि इन हथियारों को किस उद्देश्य से लाया गया था। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध में इन अभियुक्तों का कोई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी पाया गया? अभी विवेचना प्रचलित है, हम अन्य जनपदों में भी पता करेंगे। इनके विरुद्ध जहां भी आपराधिक कृत्य होगा उसे हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।